हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप गिर एकेडमी मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे बीडब्ल्यू के लेक्चर्स में हम पढ़ डे दोस्तों एसी सर्किट्स वाला मॉड्यूल एंड वो मॉड्यूल में हमने पीक वैल्यू ये टॉपिक पे न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में कवर किया था आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले दोस्तों ये दोनों वैल्यू दैट इज एवरेज वैल्यू एंड आर वैल्यू एवरेज ये नाम सुन के आपको कुछ तो ऐसा लगता होगा कि किसी चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं जैसे हम हमारे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स का एवरेज आता था कैसे निकाला जाता था टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बस उसी तरह यहां पर एवरेज वैल्यू आएगा बट यहाँ पे वैल्यूज हमें कहां से मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज हमें कर्व से मिलता है वो चाहे करंट का कर्व हो या वोल्टेज का कर्व हो कर्व होगा साइनोसोडियल या फिर वो ट्राइंगुलर शेप होगा या तो सिमेट्रिकल शेप होगा अनसिमेट्रिकल शेप वाला कर्व होगा तो वो सारे कर्ज को हम लोग कंसिडर करके यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं हमारा एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों एंड जो थर्ड चीज है वो हमारा आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू में क्या करते हैं हम ये जो कर से कर से हम जो वैल्यू निकालते हैं कर से हम जो वैल्यू निकालते हैं उसका हमें करना पड़ता है स्क्वायर उसका हमें करना पड़ता है दोस्तों स्क्वायर डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ लेंथ जो भी उसका है बेस का वो उस, उससे डिवाइड करेंगे देन आपको फाइनली क्या करना है दोस्तों उसका रूट ले लेना है अब इसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जहां पे आपको पूरी तरह क्लैरिटी आ जाएगी कि, कि ये रूट मीन स्क्वायर और ये एवरेज वैल्यू निकालते किस तरह नो जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको साइनोसॉइडल वेव का बताया था दोस्तों तो अगर आपको याद होगा तो ये जो था हमारा थीटा वाला लाइन था दैट इज थीटा बट नथिंग बट ओमेगा टी फिर तो ऐसे हमारा साइन वेव जा रहा था राइट तो ये जो साइन वेव में हमने करंट का वैल्यू निकाला था जो कि एवरेज वैल्यू था तो वो कितना आ गया था दोस्तों हमें

मीन जैसे हमें विन मीन वोल्टेज पता रहेगा वो वोल्टेज का वैल्यू पता रहेगा उसी तरह हम लोग यहाँ पे उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके वी एवरेज मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये ये हो जाता अपना एवरेज का टर्म्स कि हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं करंट या फिर वोल्टेज का जो कि एक साइनोसोइडल वेव है साइनोसोइडल वेव मतलब ऐसा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता था दोस्तों आई इक्वल टू आई एम साइन ठीटा और हम लोग ने कल देख नेक्स्ट uh, पिछले लेक्चर्स में देखा ये जो साइन थीटा है थीटा की जगह हम प्रेफर करते हैं ओमेगा टी जो कि रेडियंस में होते हैं राइट तो ये सारी चीजें हमने कवर अप की थी थोड़ा सा रिविजन कर लेते फिर से ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए रूट रूटमेन स्क्वायर में हम कैसे निकालते थे दोस्तों साइनस वेव का वैल्यू वो होता था जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन मल्टीप्लाइड बाय आई एम एंड सिमिलरली वोल्टेज के लिए भी वो क्या रहता था जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन मल्टीप्लाइड बाय वी एम तो ये सब जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ग्राफ को देख के तब आपको ये सारी वैल्यूज मिलेंगी तो हम लोग ने जो साइनस वेव किया था वो था सिमेट्रिकल ग्राफ सिमेट्रिकल ग्राफ का मतलब क्या होता है जितनी वैल्यूज उसकी पॉजिटिव है उतनी ही वैल्यू उसकी नेगेटिव भी होंगी हमारे पास जितनी पॉजिटिव वैल्यू होंगी उतनी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी होंगी दोस्तों तो जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बट अभी यहाँ पे मैं केस कंसिडर कर लेती हूँ यहाँ पे ये वेव ऐसे ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे नहीं जा रहा है फिर से ऊपर ही जा रहा है फिर से ये ऐसे ही जा रहा है तो क्या मैं इसको सिमेट्रिकल बोल सकती हूँ नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज ही है नेगेटिव वैल्यू का कोई सेट नहीं बन रहा है दोस्तों तो इसके लिए मैं इस ग्राफ को सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं बोल सकती ये अनसिमेट्रिकल ग्राफ है राइट तो ये सारी चीजें जो थी वो हमें याद रखनी है और एक और चीज रहेगा दोस्तों हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारे ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे वो ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज का जो लेक्चर है वो आपके आगे आने वाले लेक्चर्स का बेस है तो प्लीज आज के लेक्चर में काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर, करेंगे हम लोग ठीक है तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते इसी के साथ तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आज का न्यूमेरिकल का आपके दोस्तों स्क्रीन के सामने ये रहा फाइंड द एवरेज वैल्यू तो सबसे पहले क्या पूछा है पहले वो जान लो एवरेज वैल्यू ऑफ दौन अभी यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली वी एम वी एम वी एम दे रखा है एक बीच का वैल्यू पता है फिर एक वो बीच का वैल्यू का एंगल कितना है ठीटा कितना है वो पता है मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग फिर वो खत्म कहा हो रहा है दोस्तों पाइप क्या ये सिमेट्रिकल ग्राफ है एक्जैक्टली exactly, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है क्यू क्योंकि जितना यहाँ इसका पॉजिटिव वैल्यू है यहां से लेकर यहाँ तक उतना ही इसके पास नेगेटिव वैल्यू भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको ट्रेस करने जाऊ दोस्तों तो ये कुछ इस तरह ग्राफ बनाएगा राइट right? हम इसको अगर ट्रेस करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनाता है और यहाँ पे जाके टच हो जाएगा लेकिन यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे पूरा साइन वेव नहीं है दोस्तों ये साइन वेव नहीं होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा एक ट्रायंगुलर बेंड जैसा आ गया है ये ग्राफ में तो ये ग्राफ वगैरह ना सारे वो वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं आप लोग ने ग्राफ बनाया होगा अपने प्रैक्टिकल्स के टाइम पे इलेवन रीडिंग्स मिल गई रीडिंग्स से वो उन्होंने बोला कि ग्राफ ट्रेस करो बस वही सिमेट्रिकल वही तरीका यूज करके यहाँ पे इस तरह सिमेट्रिकल ग्राफ बन चुका है वो रीडिंग्स जो मिलता है हमें मशीन से उसका यूज करके हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट्स करते हैं ठीक है तो अब ये आपके स्क्रीन के सामने ये तो ग्राफ बन चुका है थोड़ा विजिबल नहीं है ओके परफेक्ट तो अब ये परफेक्टली विजिबल है आपको आप इसको फटाफट अपने फटा बुक में बना लीजिए फिर इसका न्यूमेरिकल किस तरह सोल्व होगा वो आगे बढ़ते हैं तो आप सब देख सकते हो ये कंटिन्यूस तो नहीं इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़े से ऐसे तो आप पूरा एरिया कंसिडर करोगे अभी एवरेज का फॉर्मूला एवरेज कैसे निकालते दोस्तों हम ये एवरेज कैसे निकालते दोस्तों एरिया अंडर का डिवाइडेड बाय बेस राइट हम लोग इस तरह निकालते लेकिन यहाँ पे जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है है ना ये पूरा कर्व तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ ऊपर वाला एरिया कंसिडर करेंगे ऊपर वाला ही कर्व कंसिडर करेंगे जो कि जीरो से पाई तक है पहला चीज तो ये क्लियर हो गया कि हमें एवरेज निकालने के लिए कौन सा एरिया कंसिडर करना है ये वाला और कभी भी हम अगर वेव का एरिया निकालते हैं तब हम उसे क्या करते हैं दोस्तों इंटीग्रेट करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं हम उसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन करना है हमें कहां से कहां तक दोस्तों जीरो से लेकर पाई तक और ये वी डी थीटा हो जाएगा राइट क्योंकि यहां पे थीटा है तो ये d थीटा बट मुझे एक बात बताओ क्या ये जो वी है ये वी पूरा कंटिन्यूस है जीरो से पाई तक ऐसे पूरा कंटिन्यूस है नहीं ये वी दो पार्ट में बचा बटा हुआ है जो पहला वी है वो इक्वल टू जीरो है जो पहला वी है वो इक्वल टू जीरो कहाँ से कहां तक वो जीरो है जब मेरा थीटा पाई बाय सिक्स से कम है एंड जीरो तक है है ना जब मेरा थीटा क्या है दोस्तों पाई बाय से कम है एंड वो कहाँ तक है जीरो तक जा रहा है राइट आप सब उसको स्क्रीन पे देख सकते कि हमने उसको किस तरह करके then, हो कि रखा हाँ है फिर ये गया, इसने कर्व बनाया कौन सा कर्व है थोड़ा राइट तो जो मेरा वी का वैल्यू हो जाएगा वो वी एम साइन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक जब मेरा थीटा पाई बाय सिक्स से लेकर पाई के बीच में था आई होप आपको समझाओ दोस्तों हमने ऐसा क्यू वी को डिवाइड किया एरिया कैसे निकालेंगे हम इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन में हमने चेक किया कि जो हमारा वैल्यू जो इंटीग्रेट हो रहा है वो क्या एक कंटिन्यूस वैल्यू है नहीं उधर वो दो स्लॉट्स में बटा हुआ है एक ये वाला स्लॉट है और एक फिर एक पूरा कर्व है Since ये सिमेट्रिकल है तो हम लोग ने क्या किया सिर्फ एक साइड एक साइड वाला कर्व लिया पॉजिटिव वाला कर्व लिया राइट अभी ये जो कर्व पॉजिटिव वाला हमने ले रखा है उसमें हमने वैल्यूज लिखे किसकी वैल्यूज लिखी वी की वैल्यूज लिखी वी कब जीरो, जीरो से तक है वी वी थीटा है एंड इक्वल टू थीटा थीटा जब मेरा थीटा पाई बाई सिक्स से लेकर पाई तक जा रहा है ठीक है तो हमारा जो इंटीग्रेशन रहेगा वो दो तरीके से बढ़ जाएगा एक जीरो से लेकर पाई बाई सिक्स वी डी थीटा रहेगा प्लस एक पाई बाय सिक्स से लेकर पाए v d थीटा रहेगा तो जब ये जीरो से पाई बाय सिक्स है तो आपका v का वैल्यू कितना है दोस्तों v का वैल्यू है आपका जीरो राइट और यहां पे आपका v का वैल्यू क्या है यहां पे आपका v का वैल्यू है vm एम साइन थीटा डी थीटा ठीक है तो ये आपका v का वैल्यू हो जाएगा अब एरिया तो आपने निकाल लिया फिर उसको ये पूरे को किससे डिवाइड करना है बेस से ये बेस कैसे बेस कितना है दोस्तों हमने कितना साइकिल कंसिडर किया है हाफ साइकिल कंसिडर किया है ना हाफ ऊपर वाला पॉजिटिव वाला हाफ नेगेटिव उसको नहीं कंसिडर किया क्योंकि सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है symmetrical में आप हाफ साइकिल कंसिडर करो हमेशा तो ये जीरो से लेकर पाए तक जा रहा है तो इसका बेस आ जाएगा पाए कितना आ जाएगा दोस्तों बेस पाए तो हमारा एवरेज किस तरह निकलेगा वो मैंने यहां पे लिख के दिखा दिया है ये इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज हमारा ओके दोस्तों आप ये बुक में अपने लिख लो एकदम अच्छे से हमने एरिया कैसे कैलकुलेट किया सबसे पहले इंटीग्रेशन करके हाफ वेव कंसिडर किया तो ऊपर वाला वेव हम कंसिडर करेंगे पूरे इसमें ठीक है सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट अभी अब यहाँ पे क्या करने चाह रहे दोस्तों सॉल्व करेंगे इसको तो इसको फटाफट अरेंज कर देते हैं प्रॉपरली ये पार्ट आप कॉर्नर में लिख के रख दो मैं तो इसको साइड कर देती हूँ आई जस्ट होप आपको दिख रहा हूँ हाँ ये भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है हमें अभी किसका एवरेज निकाल ले दोस्तों हम वोल्टेज का एवरेज निकाल ले राइट वी एवरेज वी एवरेज कैसे निकालना है वो हमने फॉर्मूला लिख लिया आई होप आपको क्लियरली समझ गया हो ना लेटेस्टी प्रोसीड वी एवरेज इक्वल टू ये वन बाय पाई में बाहर ले लेती हूँ देन इंटीग्रेशन ऑफ का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है दोस्तों हमारा वो जीरो ही रहेगा ठीक है जीरो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये बी एम बाहर आ जाएगा फिर ये पाई बाय सिक्स रहेगा और पाई बी एम क्यों बाहर आ गया क्योंकि है राइट एंड साइन थीटा का यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें करना होगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों वो होता है माइनस थीटा है ना तो यहां पे ये वन बाय पाए अब जीरो को नहीं लिखेंगे हम Vm, इसका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर दिया दैट इज माइनस कॉस थीटा एंड ये जो दो लिमिट्स है उसको भी मैंने लगा दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट एंड ये क्लोज ब्रैकेट ठीक है तो ये हो जाएगा वीएम अपॉन पाए फिर यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों लिमिट लगाने के बाद अपर लिमिट तो थीटा की जगह सबसे पहले मैं पाए लिखूंगी ये मैंने लिख दिया फिर ये लिखने के बाद मैं माइनस का साइन लगाऊंगी अब थीटा की जगह मैं लिखूंगी पाई बाय सिक्स ठीक है अब ये लगाने के बाद हम क्या करने वाले हैं दोस्तों इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले पाई मतलब क्या होता है दोस्तों 180 तो जब आप कैलकुसी में पुट करोगे तो पाई मत पुट करो 180 पुट करो ठीक है तो कैलकुसी में आप कैसे पुट करोगे दोस्तों पाई 180 के रूप में पुट करोगे ओके क्योंकि वो डिग्री में है ना तो चलो इसको सॉल्व करते हैं तो आप सबने कैलकुसी ले ली तो इसको यहां पे cos पाई cos पाई कितना आएगा आपका ये हो जाएगा माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस सिक्स तो सिंपल है कॉस को वन लेना है यहाँ पे याद रखना दोस्तों जब आप कैल्सी में डालोगे तो वन एट्टी बाय सिक्स कितना हो जाता है ये जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है अब हमें यहाँ पे करना है वी एम अब ये पाई को भी ये वैल्यू से डिवाइड कर देना है तो माइनस वन माइनस वन प्लस जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स कितना होता है ये हो जाता है इसको कैलकुलेट करो दोस्तों कैल्सी में इसमें तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन हमने एक मिस्टेक किया दैट इज ये वाला साइन नहीं कंसिडर किया है तो ये ब्रैकेट के आगे साइन लग जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस वन प्लस जीरो पॉइंट एट सिक्स डिवाइडेड दोस्तों ठीक है देन आपका बी एम का ये पूरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा कैलसीम में जैसे का तैसे देखो अपॉन में ले लो कैलसीम में सबसे पहले ठीक है एंड देन अपॉन में लेने के बाद ये फ्रैक्शन को लिया आपने फिर यहाँ पे आप पुट करो वन प्लस जीरो पॉइंट एट सिक्स 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 By pi. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट मतलब कभी भी अगर ऐसा वेव आया सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कभी भी ऐसा वेव आया तो आपका जो वी एवरेज का वैल्यू रहेगा वो रहेगा जीरो पॉइंट फाइव नाइन थ्री नाइन ऑफ मीन मीन वैल्यू वैल्यू तो जैसे ही आपको दिया रहेगा आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो ये तो हाफ स्टेप है आगे, आगे में और कॉम्प्लिकेटेड तो करना एनालिसिस तो हम स्टेप्स बना लेते हैं अपने सबसे पहले हम ग्राफ को समझेंगे ग्राफ एनालिसिस करेंगे कि कौन सा ग्राफ है ठीक है देन सेकेंड चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे वेव का वेव कौन से फॉर्म में वेव फॉर्म एनालाइज करेंगे कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूस है कि सिमेट्रिकल है ठीक है एक्सेट्रा ये सब हमें एनालाइज करना होगा देन हम क्या करेंगे दोस्तों इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में कुछ ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं दैट इज साइन के कॉस के एंड मैं बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आपको याद रखना है तो ये सारी चीजें कर देती हूँ बाकी न्यूमेरिकल एक कलर में रहने दो परफेक्ट ये जो ब्लू कलर में है वो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है न्यूमेरिकल का पार्ट आपकी स्क्रीन के सामने ही रहा तो अभी ये तो मैंने इसका ये वेव का एवरेज वैल्यू निकाला अब यही वेव का हम रूट मीन स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या निकालेंगे दोस्तों इसका हमने क्या निकाल लिया अभी एवरेज निकाल लिया अब इसी वेव का हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर ठीक है तो रूट मीन स्क्वायर के लिए क्या करना रहता है हमें सिंपल हमें पता है वो जो ये जो आपको v का वैल्यू मिला है ना इधर बस आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा रूट मीन स्क्वायर में यही कंसेप्ट रहता है इंपॉर्टेंट ये जो वैल्यू आपको v की यहाँ पे दो मिली थी ना यहाँ पे ये जो दो वैल्यू मिली थी वी की वो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन में पुट करोगे तब आपको स्क्वायर के साथ पुट करना होगा चलो देख लेते वो कैसे गलत है ठीक है तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा सेम क्वेश्चन है ओके okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेव उसका आपको आर एम एस फाइंड आउट करने बोला गया है यहाँ पे आपके पास v कितने कितने हैं तो यहाँ पे आपके पास है जीरो जो है यहाँ पे एक नॉच है ना तो ये कहाँ बन रहा है ये थीटा आपको पता ही नहीं है बट ये ऐसे जा रहा है मिनट थोड़ा सा में हम हाईलाइट कर लेते हैं ये जो वेव ही ऐसे स्ट्रेट है फिर इसने ऐसे कर्व लिया है तो ये वाला नॉच जो है वो जीरो पॉइंट फाइव बी एम पे बन रहा है, है ना तो ये आपका वी हो गया क्या हो गया दोस्तों ये आपका वी हो गया एंड ये जो v है ये किसको इक्वल है वी एम साइन थीटा को इक्वल है ऊपर से क्योंकि ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था तो ये v तो ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल है तो इसका हमें एंगल किस तरह मिल जाएगा वी एम वी एम कट जीरो पॉइंट फाइव साइन थीटा थीटा निकालने के लिए साइन इनवर्स कर देंगे जीरो पॉइंट फाइव का थीटा आ जाएगा आपका फाइव बाई सिक्स ये सब चीज़ें आप याद बार -बार अच्छा। तो तो डाउन कर लो हम इसको मिटा देंगे थोड़ी देर में तो यहाँ से आपने और एक चीज सीखा यहाँ पे जो साइड की जो वैल्यूज रहती हैं ये आपको थीटा की वैल्यू देती हैं जब आप इंटीग्रेट करते वक्त आपको थीटा लगता है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड करने के लिए तो ये जो

आर एम एस ये होता क्या है पहले तो हमें रूट लेना है ठीक है रूट लेना है एंड देन क्या कर करना रहता है इसमें डिवाइडेड बाय बेस ऑबियसली बेस बेस से डिवाइड करने से ऊपर जीरो से लेकर आपका इंटीग्रेशन कहाँ तक हो रहा है अभी यहाँ पे मेरा जो साइकिल है वो पाई पे कंप्लीट हो रहा है राइट पाए वी स्क्वायर थीटा अभी वोल्टेज है इसलिए वोल्टेज का स्क्वायर लिया है मैंने अगर करंट रहता तो हम करंट का स्क्वायर लेते ठीक है अब यहां पे जीरो से पाई क्यों लिया मैंने पूरा टू पाई क्यों नहीं लिया क्योंकि वो पूरा कर्व है ना बट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा अगर आपका कर्व सिमेट्रिकल है तो आप हाफ साइकिल कंसिडर करो या तो आप पॉजिटिव वाले साइकिल से चलो या तो आप नेगेटिव वाले साइकिल से चलो ठीक है तो यहां पे हमने पॉजिटिव वाला साइकिल कंसिडर किया है तो यहां पे लिख दो सिंस इट इज अमेट्रिकल वेव कंसिडर साइकल जीरो टू पाए जीरो से लेकर पाए तक कंसिडर किया अब वी की दो वैल्यूज बन जाएंगी एक जो रहेगा मेरा v इक्वल टू जीरो कहाँ से कहा मेरा v का वैल्यू जीरो है दोस्तों ये v का वैल्यू जीरो जब मेरा थीटा जीरो से बड़ा था और पाई बाय सिक्स से छोटा था और मेरा v इक्वल टू वी एम अब ये कर्व हो गया ना हमारा साइनोसाइडर कर्व की तरह है तो वी एम साइन थीटा जब मेरा थीटा पाई से छोटा था एंड पाई बाय सिक्स से बड़ा था अब हमेशा दोस्तों ये वी एम साइन नहीं आएगा यहाँ पे अगर ऐसे ट्राइंगुलर कर्व आया तो आपको अलग फॉर्मूला है आपको जब इस तरह कर्व आया तो आपको अलग फॉर्मूला है कर्व की बात कर रही हूँ ऐसा कर्व आया तो आपको अलग फॉर्मूला है वो सब देखेंगे हम डोंट वरी ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए एकदम अच्छे से ठीक है तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज लिख दी हैं अब इसको बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वी आर एम एस वोल्टेज का निकालना है इसके लिए ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय बेस बेस कितना है हमारा यहाँ पे पाए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाय सिक्स कौन है हमारा वी स्क्वायर डी ठीटा प्लस पाई बाय सिक्स से पाए कौन है वी स्क्वायर क्या है लेकिन यहाँ पे ये वाला वी स्क्वायर जीरो है ना तो वो पार्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी हमें कोई मेजर इश्यू नहीं आने वाला दोस्तों तो उसको हम क्या करते हैं एक साथ इरेजी कर देते हटा ही देते हैं ठीक है प्रोसीड क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप आप हमेशा याद रखना स्क्वेरिंग बोथ द साइड द साइड राइट स्किंग बोथ द साइड तो यहाँ पे वी स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा और यहाँ पे रूट हट जाएगा रूट हटने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ वन बाय फाइव बाहर ले लूंगी क्योंकि रूट हट चुका है अभी एंड मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई अब ये तो जीरो है जगह मैं इसकी लिख दूंगी वी की वैल्यू ये रेंज में पाई से पाई के एम साइन कितनी है? वी है तो मुझे वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पे लेकिन ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर कंसिडर किया है ना तो यहाँ पे वी एम और और स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ये वन बाय पाए वैसे का वैसे रहेगा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा राइट ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो गया तो जीरो प्लस जीरो के बाद एड करना है हमें हमारा ये तो वी एम स्क्वायर को मैं बाहर ले लेती हूँ अब चे, एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता हम उसमें क्या करते हैं उसका फॉर्मूला पुट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों अगर हम थीटा को कंसिडर कर रहे हैं दैट इज वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू ये साइंस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो हम वहां पुट करेंगे ठीक है तो वन माइनस

ठीक है ये हमने क्या किया ये जो इंटीग्रेशन था इसको वन बाय टू को भी दे दिया कॉस टू थीटा को भी हमने वो इंटीग्रेशन दे दिया है अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोनों दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करना होगा वन बाय टू कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों जाएगा बी एम स्क्त स्क्वायर और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन बाई टू थीटा और थीटा के ऊपर दोनों लिमिट लग जाएंगे है ना ये क्लियर है दोस्तों आपको कि थीटा के ऊपर दोनों लिमिट लग रहे हैं यहाँ पे देन नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी आपकी

कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पे नॉट कॉस टू थीटा साइन टू थीटा अपॉन टू और ये नीचे का भी तो टू है तो दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे एंड लिमिट्स लगा देते हैं यहाँ पे फाइव बाई सिक्स टू फाइव ठीक है तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी अब हमें क्या करना है लिमिट्स को पुट करना है लिमिट्स को पुट कर ले फटाफट तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पाई हाफ पाए माइनस पाए बाई सिक्स क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है एक बार राइट right? फिर माइनस साइन टू पाए अपॉन फोर है ना पहले पाए पुट करेंगे फिर माइनस साइन टू पाए बाय सिक्स अपॉन फोर ये हमने पुट कर दी अपर लिमिट की वैल्यू और लोअर लिमिट की वैल्यू तो आपको यहाँ पे एक ऐसा लॉन्ग सा इक्वेशन सॉर्ट ऑफ मिल चुका है राइट तो एज यूजल यहाँ पे भी जो मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था कि जो आपको साइन का वैल्यू है वो उसमें अगर पाए है तो वो वाला वैल्यू वन लेना है और एंड जो नॉर्मल वैल्यू है उसको आपको पाए लेना है आपके कैलसी का ठीक है वेनेवर साइन इज एसोसिएटेड विथ पाए पाए मीन्स वन ठीक है पाए इज नॉट इक्वल टू थ्री वन फोर कब जब साइन का वैल्यू उसके साथ रहता है ठीक है प्लीज रिमेंबर दिस दोस्तों साइन हो या कॉज भी हो यहाँ पे ठीक है तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपल ये वी एम स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो ये पाई यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो ये पूरे को डिवाइड कर रहा है राइट तो जैसे का तैसे आप कैल्सिम में उठा के भी डाल सकते हो चल जाएगा और एल्स यहाँ पे जो स्टेप्स मैं करी वो भी आप कर सकते हो पाई माइनस पाई बाय सिक्स कितना हो जाता है ये सॉल्व कर लो दोस्तों कैसे करेंगे सबसे पहले हम हाफ ले लेंगे वन बाय टू फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाए माइनस माइनस करेंगे सॉरी देखो इस तरह दिखेगा ये ठीक है आई होप आपको दिख रहा हो कैसे हमने इसको पुट किया है एंड इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा कुछ वन पॉइंट थ्री जीरो एट नाइन इसको माइनस करना है ये वैल्यू से यहाँ पे आपको पाई को वन एट्टी लेना है ब्रैकेट ओपन अपॉन साइन टू पाई टू पाई मतलब दोस्तों थ्री सिक्सटी राइट फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन टू पाई बाय सिक्स मतलब थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय सिक्स अपॉन फोर ओके दोस्तों तो ये वैल्यू कैल्सिम पोट करने के बाद आ जाता है नेगेटिव टू पॉइंट वन सिक्स फाइव टू वन सिक्स फाइव देन बी एम स्क्वायर अब आप क्या करोगे ये दोनों को ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और ये पाई जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो उसको भी तो डिवाइड कर रहा है ना तो उसको डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल लो तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे डिवाइड करके तो यह आ जाता है जीरो पॉइंट फोर एट फाइव फाइव वी एम स्क्वायर तो आपका v स्क्वायर rms का वैल्यू ये आप तब से क्या निकाल रहे थे दोस्तों v स्क्वायर rms राइट right? देखो यहाँ पे हम तब से v स्क्वायर rms पे थे तो v स्क्वायर rms का वैल्यू मिल गया बट आपको निकालना क्या है v rms निकालना है तो अभी आपको क्या लिखना होगा दोस्तों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स स्क्वायर हटाना है ना तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा वी आर एम एस इधर स्क्वायर हट जाएगा यहाँ का यहाँ का भी स्क्वायर हट जाएगा इसका रूट आ जाएगा ना 0.4855 वी एम वी आर एम एस अंडर रूट ले लो 0.4855 का कितना आ जाता है 696 6967 वी तो आपका वी आर एम एस कितना हो गया ये वेव के लिए ये जो वेव था ऐसा तो उसका वी आर एम एस कितना आ जाता है दोस्तों वी वी ऑफ मीन ये आपका आर एम एस का वैल्यू हो गया एंड आपका वी यही वेव का वी कितना था आपका यही वेव का वी एवरेज था जीरो पॉइंट फाइव नाइन थ्री नाइन और ये वेव का वी आर एम एस कितना है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स सेवन एवरेज से हमेशा थोड़ा ये जो फैक्टर है ना ये फैक्टर थोड़ा सा बड़ा आता है एंड दैट्स इट आपका वैल्यूज इस तरह सॉल्व हो जाएगा एंड आप इसको कोई भी वेव रहने दो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल आप उसको कैलकुलेट कर लोगे अभी तक तो हमने असिमेट सॉरी सिमेट्रिकल ही सॉल्व किया है आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड असिमेट्रिकल सॉल्व करते हैं तो असिमेट्रिकल में और एक न्यूमेरिकल ले, ले लेते हैं आज तो वो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म अब ये जो वेव फॉर्म है ये कर्व की तरह नहीं है दोस्तों ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है फिर ड्रास्टिकली फिर फिर तो वैल्यूजिंग इस तो तो चेकआउट कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो ग्राफ है यहाँ पे आपको कर्व नहीं दिख रही है ये यहाँ पे कैसा एक ट्रायंगुलर फॉर्म है और आज तक हम, अभी तक हमने जितने भी ग्राफ देखे उसमें हमें ऐसा कर्वी शेप था राइट ऐसा पूरा कर्व था और एल्स ऐसे भी रहता तो चलो आप कौन सा इक्वेशन लगा लेते आपका v या फिर i का वैल्यू निकालने के लिए v के लिए आप लगा लेते वी एम साइन थी एंड i के लिए आप लगा लेते आई एम साइन थी राइट तो ये जब ऐसा साइनोसॉइड कर्व होता है तब आप थीटा वाला कंसेप्ट यूज करते हो तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पीक वैल्यू दिया हुआ है ट्वेंटी तो यहाँ पे अगर दिया हुआ रहता है ट्वेंटी तो आप इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं ट्वेंटी साइन थीटा बट यहाँ पे ऐसा पीक वैल्यू दिया है क्या पीक वैल्यू दिया है बट यहाँ पे कर्व नहीं दिया तो आपको ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है हमने पहले भी जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पे हमने रेंज निकाले हैं राइट right? कि हमारा किस किस रेंज में तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ये ग्राफ सिमेट्रिकल है या नहीं है तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है एक साइकिल जीरो से शुरू हो रहा है देन टू पर ये पीक वैल्यू गया देन मिनिमम वैल्यू फोर तक रहा है ना तो इसका वन साइकिल कैसा था जीरो से शुरू कर पीक वैल्यू देन मिनिमम वैल्यू तक गया फिर ये फोल तक वैसे का वैसे का रहा तो जीरो से लेकर फोल तक ये एक है, cycle, ये कंप्लीट साइकिल साइकिल है और का पीक वैल्यू पता है आपको ठीक है तो यहां पे अगर मैं जीरो से टू तक की बात करूं, तो से तक ये लाइन है एंड ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे और हम लाइन का स्लोप कंसिडर कर लेंगे वो किस तरह आ जाएगा दोस्तों उसको हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा बाई यूजिंग द लाइन वाला कंसेप्ट उसमें कैसे करते हैं हम वेरी सिंपल ये जो ग्राफ है इसका ये वाई वाई कोऑर्डिनेट कितना है ट्वेंटी और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है टू तो दोनों को डिवाइड कर देंगे दैट इज आ जाएगा तो ये टेन t के मल्टीपल से बढ़ रहा है कितने t के मल्टीपल से बढ़ रहा है दोस्तों ये टेन t के मल्टीपल से बढ़ रहा है तो वन साइकिल में वेन माई t का वैल्यू ये तो आपका t का वैल्यू जब आपका t का वैल्यू टू से कम है और जीरो से ज्यादा है तो आपका जो i है वो किसको इक्वल है टेन टाइम्स ऑफ t को है ना जो भी टेन टाइम्स अभी जैसे यहाँ पे टी जब टू हो जाता है तो आपका आई कितना हो जाता है ट्वेंटी हो जाता है राइट तो यहाँ पे आई का वैल्यू इस तरह मिल जाएगा एंड कब कब है दोस्तों ये जीरो कब हो जाएगा जब आपका टी का वैल्यू फोर से टू के बीच में है परफेक्ट तो ये आपने रेंज निकाल ली है सिंस ये असिमेट्रिकल है तो असिमेट्रिकल का हम लोग ने सिर्फ पूरा का पूरा साइकिल कंसिडर किया है यहाँ पे एंड उसका रेंज निकाला है इंटरवल निकाला है एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो क्यों यहाँ पे असिमेट्रिकल है क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव उसका है नहीं जितना पॉजिटिव है उसका नेगेटिव इतना है नहीं सो दिस इज असिमेट्रिकल राइट द वेव फॉर्म इज असिमेट्रिकल तो यहां पे हमने ये रेंज निकाल दिया अब हमें क्या निकालना है इसका एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों सिंपल फॉर्मूला एरिया अंडर कव डिवाइडेड बाय बीस तो यहाँ पे जो कर्व है वो किस तरह है दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन के शेप में है यानी कि वही चीज हो गई कि ये एरिया अंडर कर्व लिखने से अच्छा एरिया अंडर वन साइकिल कंसिडर करेंगे क्योंकि हमेशा कर्व नहीं रहता दोस्तों ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है वो स्टेटमेंट का कि हमेशा कर्व नहीं रहता आप उसको एक साइकिल कंसिडर करोगे अब यहाँ पेमेट असिमेट्रिकल है इसलिए वन साइकिल अगर ये सिमेट्रिकल होता तो ऑब्वियसली हम क्या लेते हैं दोस्तों हाफ साइकिल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे असिमेट्रिकल होने की वजह से हमें लेना होगा कंप्लीट वन साइकिल ठीक है जैसे मैंने पहले वाले न्यूमेरिकल लिया जो तो सिमेट्रिकल था उसमें हमने हाफ साइकिल कंसिडर किया तो यहाँ पे एरिया कहां से कहां तक निकालना है दोस्तों हमें ये जीरो से लेकर फोर तक पूरा साइकिल जा रहा है राइट right? तो ये जीरो से लेकर फोर तक पूरा आई इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्यों क्योंकि टी ये जो ग्राफ है वो विद तो रिस्पेक्ट टू डी टी इंटी इंटीग्रेट होगा एंड बेस कितना है फोर चार सेकेंड राइट बेस कितना है आपका चार सेकेंड तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम वन बाई फोर को बाहर ले, ले लेते हैं ये i दो पार्ट में बटा हुआ है एक जीरो से टू और ये टू से फोर तो जब ये जीरो से टू है तो ये आपका आई कितना है टेन टी है डी टी प्लस जब ये टू से फोर है तब आपका आई कितना है जीरो ठीक है ये आपने पे यहा लिख दिया फिर वन, वन फोर. अभी पे ये टेन कॉन्स्टेंट है तो टेन बाहर आ जाएगा ये से टू, टी टी प्लस क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी कॉन्स्टेंट रहता है दोस्तों तो उसको कैसे करते हैं टी एन टी रेज टू एन है तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो ये हो जाएगा वन अपॉइन फोर टेन टी स्क्वायर बाय टू अपर और लोअर लिमिट लगा देंगे हम एक बार फिर ये वन बाय फोर इन टेन अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे टू स्क्वायर बाय टू माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो का स्क्वायर बाय टू तो जब आप ये सॉल्व करोगे तब आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी ये जब आप सॉल्व करोगे तब आपको वैल्यू आ जाएगी चलो फटाफट कैल्सियम में सॉल्व कर लेते हैं इसको जैसे का तैसा उठा के कैल्सियम में डाल दो दोस्तों आंसर आ ही जाएगा वन बाई फोर इन टेन सब सेम कर सकते हो आप तो आप ये सब जब कैलकुलेट करो तो आपको आंसर आ जाएगा फाइव तो ये हो गया आपका एम्पियर्स का वैल्यू आई एवरेज ठीक है आपने क्या कैलकुलेट किया दोस्तों आई एवरेज आई एवरेज ये इसमें जो फॉर्मूला लगा वो ये वाला लगा इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू ऊपर जो भी यहां है अभी यहाँ पे टी रेस टू वन है यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं यहां है यहाँ पे टी रेस टू वन है तो वन प्लस वन टू हो गया और नीचे भी वन प्लस वन टू हो गया फिर यहाँ पे हमने लिमिट का पुटिंग किया लिमिट का पुट किया सारा ठीक है सो so, ये एवरेज वैल्यू ये वाले सम का इस तरह निकालता अगर सेम मैं आर में कंसिडर करूं दोस्तों सेम अगर हमें यही फॉर्म का आर निकालना है तो वो कैसे हो जाएगा वो भी बहुत सिंपल तरीके से उसको भी हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं अब इसका फटाफट -फ़ड़ स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग सो दिस इज अ कंप्लीट न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा जो सेम हम आरएमएस निकालेंगे इसका तो फटाफट हम लिख देते दे स्टेटमेंट द ग्राफ इज या फिर वी फॉर्म लिख दो असिमेट्रिकल सो वी कंसिडर कंप्लीट साइकिल साइकिल कहाँ से कहां तक जीरो से फोर तक फिर जो आय है वो मेरा सेम चीज जो वहां पे थी वही तो यहाँ पर है जो आपका आय है वो टेन टी है कहा, जीरो से लेकर टू के बीच में एंड आपका आय जीरो है कहा टू से लेकर फोर के बीच में राइट तो यहाँ पे आपने लिख दिया फिर आर एम एस वैल्यू निकाल लेते हैं आर एम एस में सबसे पहले स्क्वायर रूट फिर जो भी एरिया अंडर कर्व का स्क्वायर एरिया अंडर साइकिल का आपको क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाई बेस ठीक है तो आपका आई आर एम एस कैलकुलेट करना है बराबर एरिया अंडर साइकिल कैसे आ जाएगा दोस्तों आपका दैट इज इक्वल टू जीरो से लेकर फोर तक आई का स्क्वायर इंटू डी टी बाय फोर क्योंकि बेस फोर है पूरा ये फोर कंसिडर करना है हमें ठीक है देन या आई स्क्वायर डी टी होने के बाद जब बेस फोर हो है तो उसको हम लोग दो पार्ट में सेपरेट कर देंगे कैसे सेपरेट करना है दोस्तों आपको सबसे पहले जीरो से लेकर टू तक आई डी टी रहेगा आई स्क्वायर डी टी सॉरी फिर टू से लेकर फोर तक आपका आई स्क्वायर डी टी रहने वाला है एंड दिस इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय फोर आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड क्योंकि रूट हटा देते हैं हम आरएमएस में हमेशा याद रखना आप टेकिंग स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो ये हो जाएगा आई स्क्र आर एम एस फिर इक्वल टू ये रहेगा आपका वन बाय फोर इधर ले लेंगे देन ये इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टू यहाँ पे आई पे आई क्या है टेन टी तो टेन टी का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी टी प्लस ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट आई स्क्वायेर टू से लेकर फोर तक जीरो है तो इसको हम जीरो ही ले लेते ले हैं यहाँ पे तो वन बाय फोर हंड्रेड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन करना है आपको किसका टी का करना है क्यों ये हंड्रेड हो गया क्योंकि टेन का भी तो स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों है ना फिर ये कैसे हो जाएगा हंड्रेड इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाय फोर है ना फिर ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर मतलब टी क्यूब बाय थ्री और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है ट्वेंटी फाइव इंटू टू का क्यूब बाय थ्री माइनस जीरो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब तो आपको आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों कैल उठा लो फटाफट कैलकुलेट करो ये सारा वैल्यूज ट्वेंटी फाइव इंटू टू का आ जाता है कुछ सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स बट ये आपको आई आर एम एस का स्क्वायर है ये आई आर एम एस का स्क्वायर है आपको सिर्फ आई आर एम एस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा राइट क्योंकि स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं एंड देन आपका आई आर एम एस कितना हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ सिक्स 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 दट इज एट पॉइंट वन सिक्स फोर एम्पियस तो ये रहा आपका आई आर एम एस का वैल्यू ये कितना रहेगा 8.164 और आपका आई एवरेज का वैल्यू कितना आया था दोस्तों यहाँ पे 5 5 एम्पियर्स एम्पियर्स इसका इस इस इसका एवरेज तो वैल्यू वैल्यू इज इज रूट मीन स्क्वायर 8.164 क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो आपको आर एम एस वैल्यू ही देते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए कि आपका आरएमएस वैल्यू कितना है ठीक है तो ये इस तरह था हमारा न्यूमेरिकल आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो एंड ये काफी ज्यादा क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं तो कोई भी ग्राफ आने दो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया दो तरह से ग्राफ आ सकते है या तो आपको ऐसे कर्व रहेगा या तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइंस रहेंगी तो जब स्ट्रेट लाइंस रहती है तो हम क्या करते हैं ये मीन ये जो टॉप वैल्यू है मीन वैल्यू पीक वैल्यू उसको डिवाइड करते हैं जहां पे वो एंड हो रहा है एंड जब कर्व रहता है तब हम क्या करते हैं हमारा साइन थीटा वाला कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पे और एक्सेप्शन आता है तो आपको वो एक्सेप्शन का इक्वेशन निकालने के लिए आ जाएगा इतना ही पूछा जाता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई होप आपको आज के लेक्चर का आ, सारा चीज समझ में आऊंगा एक होमवर्क दे देती हूँ दोस्तों सेम क्वेश्चन है आप इसका सिर्फ आर एम एस निकाल लो ये ग्राफ बस कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह ये सिर्फ ग्राफ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है टी सेकेंड या आपका आई का वैल्यू पीक वैल्यू भी ट्वेंटी ले लेते हैं ये जीरो टू फोर सिक्स एट तो एक साइकिल कितना हो गया दोस्तों आपका ये आपका होमवर्क क्वेश्चन फाइंड आर एम एस इसका आप आर एम एस ढूंढ के निकालोगे जो इसका वैल्यू uh, आएगा आरएमएस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अस चेक कि कितने लोगों को आ रहा है ठीक है उस हिसाब से हम देखेंगे कि और न्यूमेरिकल लेना है या नहीं लेना है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले आएंगे तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का आर एम एस का वैल्यू का सेम तरीके से जाना है बस आपको यहाँ पे जो आए रहेगा एक आये हो जाएगा आपका टी नहीं रहेगा आपको ना क्वेश्चन में थीटा दिया रहेगा ओमेगा टी ठीक है तो जैसे एक, थीटा आ जाता है ओमेगा टू समझ आपको साइन वाला कंसेप्ट यूज करना है हिंट दे रियू इसको ऐसा फिक्स मत रखना था कि आपको एग्जाम में टाइम बच, जा, बच जाए आपका हर जगह से ठीक है तो ये थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया जीरो टू फोर सिक्स एट आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो इजी तरीके से तो यहाँ पे आ, सिर्फ एक करेक्शन कर देती हूँ यहाँ पे ये जो टी के वैल्यूज है उसको थोड़े से ये कर देते हैं मैंने खुद से बना हुआ है क्वेश्चन है ऑब्वियसली मुझे भी टाइम लगे इसका आंसर निकालने के लिए आप भी निकालो मैं भी निकाल लेती हूँ पाए पाए ठीक है ठीटा है ना तो पाए रहना चाहिए सो दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। आई होप आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे मैं भी सॉल्व करती हूँ आप भी सॉल्व करो लेटेस्ट चेक आंसर क्या आ रहा है ठीक है टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड चैनल पे नहीं तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए एंड इसी से हमें मोटिवेट करते रहिए थैंक यू